हेलो आयुर्वेदिक कोर्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सो आज मैं एक टॉपिक लेने वाला हूँ, जैसे षड रसा, जो आयुष का मैम अध्याय में दिया गया, अष्टांग हृदय में। सो अभी चलो शुरू करते हैं। रसा स्वाद्व अम्ल लवणम तीक्ष्णोष्णम कषायक षड द्रव्यम आश्रितास्ते च यथापूर्व बलावह। सो इस श्लोक के कारण हमारे आयुर्वेद में छः रस दिए गए हैं, जैसे स्वाद्व अम्ल लवण तीक्ष्णोष्ण उष्ण कषाय, ये छः रस दिए गए हैं। ये छः रस स्वाद्व यानी आप ले सकते हैं मधुर, मधुर मधुर रस को स्वाद्व बोला गया है यहाँ पे। आम्ल आम्ल यानी आप इसको सार टेस्ट ले सकते, सार टेस्ट। लवण सॉल्टी, तिक्त यानी बिटर, तिक्त यानी स्पाइसी नहीं रहता है, बिटर रहता है। ज़्यादातर यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है कि तिक्त को हम स्पाइसी मान लेते हैं स्टार्टिंग में। उष्ण में हमारा आएगा कटु, उष्ण उष्ण यानी कटु भी बोलते हैं, यानी स्पाइसी और पंजेंट। और लास्ट में कषाय, कषाय यानी एस्ट्रिंजेंट, एस्ट्रिंजेंट। इसका टेस्ट हमारा चाय और काढ़े के समान रहता है। सो इनका जो अरेंजमेंट दिया गया है उसका एक कारण है, षड द्रव्याम आश्रितास्ते च यथापूर्वम बलावह। सो इस लाइन के अनुसार हमें यह मीनिंग प्राप्त होता है कि स्वाद्व यानी मधुर का बल सबसे ज़्यादा रहता है और वो नीचे क्रम से डिक्रीज होता जाता है। सो फिर कषाय का जो बल रहेगा वो सबसे कम रहेगा। सो नेक्स्ट हम देखेंगे रिलेशनशिप ऑफ दोषास, रिलेशनशिप ऑफ दोषास विद द सिक्स रसा। सो यहाँ पे श्लोक दिया है, तत्राद्या मारुतम घ्नन्ति त्रयस्तिग्धादय कफम कषाय तिक्त मधुरा पित्तमन्ये तु कुर्वते। सो अब लाइन बाय लाइन इसको अभी समझेंगे। तत्राद्या मारुतम घ्नन्ति, तत्राद्या मतलब वहाँ पे जो ऑर्डर दिया है, जो पहले तीन है, दैट इज मधुर आम्ल और लवण, इन तीनों को कम करने वाला, इन तीनों से जो कम होता है वो वात दोष है। मारुत यानी ये सिनोनिम है वात का, वात। त्रयस्तिग्धादय कफम मतलब अपने अदर दो बाकी के तीन टेस्ट रसा जो बच गए हैं, जो कि तिक्त कटु तिक्त और कषाय, ये वात का शमन करते हैं, शमन यानी पैसिफाई करना। नेक्स्ट कटु तिक्त कषाय है, ये वात, ये कफ का शमन करते हैं, कफ का शमन शमन करते हैं। और लास्ट में जो तीन बाकी के और तीन जो दिए गए हैं, कषाय तिक्त मधुरा, कषाय तिक्त और मधुरा, ये जो टेस्ट है ये अपने पित्त का शमन करेंगे, पित्त का शमन, ते शमन। सो यही दो श्लोक जो दिए गए हैं इस पर एक्चुअली हमारा बेस बिल्ड होता है, क्योंकि आगे जो हम पढ़ेंगे, जो आगे के चैप्टर्स है उसमें ये टॉपिक ऋतुचर्या दिनचर्या में सब इम्पोर्टेंट रह जाते हैं, क्योंकि इस रस और रिलेशन, रस और दोष का रिलेशन एकदम इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सो इसलिए मैंने इसी से स्टार्ट किया है। सो नेक्स्ट हम देखेंगे रिलेशन ऑफ रसा विद त्रिदोषा, वही हम ठीक से और एक बार रिवाइज करेंगे। सो यहाँ पे दिया है वात हरा, वात या हरा मतलब वात को कम करने वाले फर्स्ट तीन दोष है, दैट इज मधुर आम्ल और लवण। इसको याद रखने के लिए आप एक ट्रिक, दैट इज एमएलए होते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ऐसे याद रख सकते हैं। सो ये वाद को कम करता है। और अभी जो पॉइंट है जो नोट करना है, जो वाद वर्धक है, जो वात हरा है वो कफ वर्धक होता है। सो यहाँ पे वो कफ को भी बढ़ाएगा। सो मधुर आम्ल लवण वाद को कम करेगा और कफ को बढ़ाएगा। बाद में कटु तिक्त कषाय, T2K ऐसे याद रख सकते हैं आप, कटु तिक्त और कषाय, ये जो तीनों रस है वो वात को बढ़ाते हैं और कफ को कम करते हैं। और बाद में पित्त हरा कषाय, यहाँ पे कषाय तिक्त
और मदुरा। इसको आप के टी एम बाइक ऐसे याद रख सकते हैं, मैंने ऐसे याद रखे सो आपको मैं बता रहा हूँ, के टी एम बाइक ऐसे याद रख सकते हैं। के टी एम बाइक पित्त को कम करते हैं, और पित्तवर्धक जो है वो आपने कटु कटु आम्ल और लवण, लवण रस को पटु पटु भी ऐसे बोलते हैं, ये आपको ऋतुचर्या अध्याय में मिल जाएगा ऐसे बोलते हैं। सो इसको याद रखने के लिए आप काल ऐसे याद रख सकते हैं, काल यानी यहाँ पे अपना कटु रस है, यहाँ पे कन्फ्यूजन हो के इसलिए का यूज़ किया, काल काल ऐसे यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पे के काल को डिनोट कर रहा है। यही था इसमें, होप यू लाइक द वीडियो, और आपको कुछ भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।